नमस्कार, जय गणेश। आप सबकी कुशलता चाहते हैं। आज का प्रेडिक्शन समथिंग डिफरेंट है। कई बार हमने देखा है कि कई लोग जो लाइफ में कुछ काम करते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ फूड शॉप किया और फिर इसके चेन ऑफ स्टोर्स उन्होंने खोले और ऑल द स्टोर्स आर गेटिंग सक्सेस। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से कपड़ों के भी हो सकते हैं, खाने पीने वाले भी हो सकते हैं। तो ऐसी सक्सेस ऐसे व्यक्ति को क्यों मिलती हैं कि जो इसको जो मेन ब्रांच को ऐड करके आप जो दूसरी ब्रांच खोलते हैं इसको बोलते हैं विशेष शाखा, विशेष शाखा अनदर ब्रांच। तो ग्रह चक्र में नक्षत्र जो विशाखा है, विशाखा यानी कि विशेष शाखा, ये विशेष शाखा जो होती है ये किसको संपत्ति देने वाले नक्षत्र हैं? राहु के तीन नक्षत्र जो जातक हैं, ये जैसे कि आद्रा है, स्वाति है, शतविशा है, ऐसे जातकों के प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है कि राहु के नक्षत्र वाले जो जातक हैं वो मल्टीपल काम करते हैं, एक शॉप, दो शॉप, तीन शॉप, चार शॉप, पाँच शॉप, मल्टीपल शॉप, विशेष शाखा इनको सक्सेस देती हैं। तो जिनका भी जन्म का नक्षत्र राहु का है, जैसे कि मिथुन का नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र का, फिर स्वाति नक्षत्र का तुला लग्न है या कुंभ लग्न है शतविशा नक्षत्र का, ऐसे जातकों को ग्रैंड सक्सेस मिलेगा अपनी अनदर ब्रांच ओपन करने में। हालांकि जन्म कुंडली में जन्म के भी स्टार देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका समय कैसा है आने वाला, अन्यथा ऊपर से लॉस भी आ सकता है। क्योंकि ये तो एक जनरल प्रेडिक्शन है कि मैंने ऐसा बहुत से लोग देखे हैं कि जिनको मल्टीपल सक्सेस चेन ऑफ स्टोर्स के अंदर मिला है, तो ऐसा क्यों है? तो उसके रिगार्डिंग एक रिसर्च किया और रिसर्च के ऊपर से ये एक नक्षत्र को हमने पकड़ा है जो विशेष डेवलपमेंट करने वाला है, जिसको बोलते हैं विशाखा। और विशाखा दूसरा कौन कौन से नक्षत्र वाले जातकों के लिए सक्सेस है? तो शुक्र के तीन नक्षत्र, तो शुक्र के तीन नक्षत्र हैं भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्व षड़ा। तो ये तीन जातकों के लिए विशाखा जो है ये साधक नक्षत्र में है। तो आपके लिए भी जो अनदर ब्रांच है, मेन ब्रांच के अलावा अनदर ब्रांच, विशेष डेवलपमेंट, अनदर ब्रांच, अनदर सिटी के अंदर, अनदर एरिया के अंदर, अनदर कंट्री के अंदर, ये शुक्र के तीन नक्षत्र वाले जातकों को भी सक्सेस मिलता है। और शनि के तीन नक्षत्र वाले जातक हैं, इनको थोड़ा सा सक्सेस मिलेगा अनदर ब्रांच में, क्योंकि आपके लिए विशाखा अतिमित्र नक्षत्र है। तो पुष्य जो कि कर्क राशि में है, अनुराधा जो कि वृश्चिक राशि के अंदर है, और उत्तर भाद्रपद जो कि मीन राशि के अंदर है, ये जातकों के लिए विशाखा अतिमित्र नक्षत्र है। हालांकि उत्तर भाद्रपद के साथ विशाखा का योनि दोष बनता है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद की योनि गौ योनि है, और गौ और विशाखा की जो योनि है ये टाइगर योनि है। टाइगर बोले तो बाघ, और ये दोनों कट्टर शत्रु हैं। हालांकि जो गाय है ये बाघ का कुछ खराब नहीं कर सकती है, लेकिन टाइगर गाय को जरूर मार सकता है। इसलिए योनि का बहुत ज़बरदस्त इम्पोर्टेंट है प्रेडिक्शन के अंदर। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक आप बहुत कुछ मिस कर गए हैं, और आने वाले समय में भी आप कुछ बहुत कुछ मिस कर सकते हैं।
मिलते हैं जल्दी एक और नए इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन में। आप सबका आने वाला समय शुभ रहे, ऐसी शुभकामना के साथ जय गणेश।